अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। शुक्रिया। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। तो चले स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 में हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन गिवन है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 9 ओवर 4। इसके बाद पहले स्टेप में इसको तो हमने फैक्टराइज करना है, तो पहले स्टेप में ये हमारे पास यहाँ तक ये फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये x, ये a की वैल्यू है और ये 1 ओवर एक्स ये b की वैल्यू, तो इसको हम बाय फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। तो फार्मूला है a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो 1 ओवर x होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab है प्लस 2ab, तो सिर्फ हमारे पास 2 रहता है। किस तरह 2ab तो x इंटू 1 ओवर x है, तो ये x और ये x कैंसिल, सिर्फ 2 रहता है और बाकी टर्म हम इस तरह ही लिखेंगे माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x प्लस 9 ओवर 4। इसके बाद ये एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इस एक्सप्रेशन के साथ 2 ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे, तो हमारे पास इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 9 ओवर 4, फिर 2 को ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी। इसके बाद ये माइनस 2 इसको हम इस टर्म्स के साथ लिखेंगे, तो हमारे पास इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये प्लस 2 इसको हम इस प्लस 2 के साथ लिखेंगे, प्लस 9 ओवर 4 ये प्लस 2 और ये प्लस 2। इस स्टेप में बस हमने इतना किया, ये माइनस 2 इसको हम यहाँ पे लिखा और प्लस 2 को यहाँ पे। इसके बाद यहाँ तक अगेन ये हमारे पास फार्मूला नंबर सेकंड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारे पास इस तरह आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 9 ओवर 4 और 2 प्लस 2 से 4। इसके बाद ये 9 ओवर 4 प्लस 4 इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं 9 ओवर 4 प्लस 4, तो डिनोमिनेटर 4 और 1 का एलसीएम जो है वो 4 है, तो 4 को हम लिखेंगे, फिर एलसीएम को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी, तो 4 और 4 कैंसिल, यहाँ पे 1 इंटू 9 से 9 प्लस 4 इंटू 4 से 16, फिर 9 प्लस 16 से आता है 25 ओवर 4, फिर 25 बराबर है पाइव स्क्वायर के और 4 बराबर है 2 स्क्वायर के, फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं पाइव ओवर 2 होल स्क्वायर। तो हम इस 9 ओवर 4 प्लस 4 की जगह डायरेक्ट पाइव ओवर 2 को फोट करते हैं, हमारे पास इस तरह आएगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 9 ओवर 4 प्लस 4 की जगह ये 5 ओवर 2 होल स्क्वायर। इसके बाद अगेन इसको हम फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे, ये हमारे पास a की वैल्यू हुआ और ये हमारे पास b की वैल्यू, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab इसमें बनता है। किस तरह? तो पहले हम इस साइड को यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x और प्लस 9 ओवर 4,
एस इक्वल टू एस पे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स माइनस वन ओवर एक्स, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू फाइव ओवर टू, फाइव ओवर टू होल स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी है तो माइनस टू, और ए बी तो ए की वैल्यू एक्स माइनस वन ओवर एक्स और बी की वैल्यू फाइव ओवर टू। अगेन ये टू और टू ये कैंसिल होता है तो हमारे पास ये रहता है फाइव इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। इसके बाद ये हमारे पास फार्मूला बनता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू है फाइव ओवर टू और होल स्क्वायर। इसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, हमारे पास इस तरह आएगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस नाइन ओवर फोर इज इक्वल टू ये एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस फाइव ओवर टू होल स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर रूट यहाँ पे भी लेंगे और स्क्वायर रूट यहाँ पे भी, ये प्लस माइनस हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारा आंसर है एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस फाइव ओवर टू और प्लस माइनस, तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन नंबर वन पार्ट सेवन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस ट्वेल्व। सबसे पहले स्टेप में ये एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर फर्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमारे पास इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर फिर माइनस फोर, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस टू ए बी है तो सिर्फ हम प्लस टू को लिखेंगे क्योंकि एक्स और वन और एक्स ये कैंसिल होते हैं और ये प्लस ट्वेल्व। इसके बाद अगले स्टेप में ये माइनस फोर जो है मतलब ये तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई है, तो इसको हम सिर्फ प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी के साथ हम इस तरह ही छोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर फिर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, इसको हम इस तरह ही लिखेंगे। और ये प्लस टू जो है ये इस एक्सप्रेशन से इसको हम अलग करेंगे और माइनस फोर जो है इस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आएगा माइनस एट और प्लस ट्वेल्व। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एट प्लस ट्वेल्व से हमारे पास आता है प्लस फोर। इसके बाद इसको हम एक फार्मूला नंबर सेकंड के मुताबिक फैक्टराइज करेंगे, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू होगी और फोर जो है इसको हम टू स्क्वायर लिखेंगे तो वो हमारे पास बी की वैल्यू होगी टू, तो हमारे पास इस तरह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हुआ ए की वैल्यू, तो ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर है तो हम टू का स्क्वायर लेंगे तो ये हुआ बी स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी है तो माइनस टू, फिर ए की वैल्यू तो ए है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए, फिर बी है तो बी की वैल्यू यहाँ पे टू है। अगेन यहाँ तक ये हमारे पास इक्वल है माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर,
टू ओवर टू के मल्टीप्लिकेशन से अगेन हमारे पास फोर आता है, और ये फोर ये हमारे पास इक्वल है टू स्क्वेयर के। तो ये हुआ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, विच इज, पहले हम लेफ्ट साइड को लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, फिर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर, फिर प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी बराबर है ए माइनस बी होल स्क्वेयर के। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस बी है तो माइनस टू होल स्क्वेयर। इसके बाद हम स्क्वेयर रूट लेंगे बोथ साइड, टेक स्क्वेयर रूट बोथ साइड, तो इस तरह आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस टू होल स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट हम यहाँ पे भी लेंगे और स्क्वेयर रूट यहाँ पे भी, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस टू, तो ये हुआ रिक्वायर्ड स्क्वेयर रूट। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।